हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जनपा की एजुकेशन हब। आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मैंने जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डाले हैं वो सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के सवालों से। पहला क्वेश्चन है, द्विशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो द्विशासन के जनक के रूप में सर लियोनिल कार्टीज को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये है लियोनिल कार्टीज। ठीक, लियोनिल कार्टीज को पिता दार्जिया के नाम से जाना जाता है। यह विशेष रूप से सरकार का प्रमुख था। इस बुनियादी प्रांतीय कार्यकारिणी पर भारत अधिनियम 1919 परिषद को विभाजित किया गया था। एक ओर राज्यपाल और उसकी परिषद है, तो दूसरी ओर राज्यपाल उनके मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो स्थापना है 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई। ये हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके द्वारा भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओला कंपनी ने हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया की अपनी सबसे बड़ी स्कूटर निर्माण फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। सॉफ्टबैंक समर्पित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने 2,400 करोड़ रुपए के निवेश पर राज्य में अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पूरा होने पर तमिलनाडु में ओला कारखाना दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर निर्माण सुविधा होगी। ठीक है, अब बात की गई है तमिलनाडु की। ठीक, तमिलनाडु के बारे में भी कुछ जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है तिरुइदापट्टी के पलानी स्वामी है। ठीक, ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अब है तमिलनाडु की कैपिटल पूछेंगे तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की थी कि 2023 FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन लगातार दूसरी बार उड़ीसा में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट दो स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राउरकेला और भुवनेश्वर जो होता है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक, उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक, ये हैं उड़ीसा के राज्यपाल। ठीक, गणेशी लाल। अब पूछा जाएगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक, उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक है। ठीक, मुख्यमंत्री है उड़ीसा के, ये हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब जानते हैं FIH के बारे में। ठीक, ये FIH दिया, इसके बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। FIH का पूरा नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव भत्रा। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव भत्रा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, ये हैं नरेंद्र ध्रुव भत्रा FIH के अध्यक्ष। इनका हेडक्वार्टर जो है, FIH का जो हेडक्वार्टर है वो लोजेन में है। ठीक, लोजेन में। अब लोजेन कहाँ है, लोजेन जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, FIH के CEO कौन है। FIH के जो CEO हैं वो हैं थेरी वेल। ठीक, थेरी वाइल जो है FIH के CEO हैं। ठीक, ये हैं थेरी वाइल FIH के CEO। और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है पॉल ल्यूटी। ठीक है, पॉल ल्यूटी इनके फाउंडर है। अब इसकी स्थापना कब हुई। FIH की जो स्थापना है वो हुई है आपकी 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी FIH की। और इसका मोटो क्या है, इसका जो मोटो है वो है फायर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। ठीक है, फायर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर FIH का मोटो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट
किस वर्ष में पारित किया गया था? रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो 1773 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला संसदीय अनुसमर्थन था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार देश में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। ठीक है, कब दिए गए थे ये अधिकार? ये दिए गए थे 1885, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत गुणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है डीएनए, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वंशानुगत आनुवंशिक पदार्थ सभी जीवित कोशिकाओं में डीएनए के कारण जीन में परिवर्तन होता है, जो आनुवंशिक गतिविधियों और प्रोटीन संश्लेषण को भी निर्देशित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव में भूमिका निभाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्तन ग्रंथि से दूध छोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का जो खेतरी बेल्ट है वो ताबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान राज्य का खेतरी जो बेल्ट है वो कॉपर माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी भारत में राजस्थान के झुंझुने जिले का एक प्रसिद्ध शहर है। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन है। यह भारत की सबसे बड़ी कॉपर माइन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश के घास के मैदान का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है पंपास, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।